प्रोफेसर यासीन साहब जी, तालियां। فتبارك الله والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين السلام والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم سارا میو بھائی لو دل سے میرے سلام وعلیکم السلام ہمارے سبن کے اندر ہی میواتی لہر ہے قدرتی مٹی میں ملی ہے ہم لوگ لیکن ہماری ساری لہر نا آج کل وہ یونس صاحب کے اندر جمع ہو گئی بابو سارو جوشیا کے اندر جمع ہو گئی और हकीकत यूँ है कि कोई एक आध बंदा ही पहले अल्लाह जगा दे फिर वो आगे सबन दूसरा हम जगाना शुरू कर वा कि एक आध गलती से पूरी कौम ने नुकसान भुगतना पड़े और वह का अच्छा काम उनको फायदा भी पूरी कौम को। जैसे अभी भाई यूनुस बता रहे हो कि भाई हमारा लीडर हसन खान ये कारनामा उनका, हमारा लीडर एक मेरा नाम को भी हो मेरे वालदे ने भी शायद यही वजह से मेरा नाम यासीन रखो है। वाकई में ये गलती मेरी नजर में आई ही, अगर से मैं गलती नहीं कही कि देखू ना हूं वहां ने अपनी तरफ से नियत नियत से काम करो उन्होंने कहो कि हम यो बैठा नहीं एक जगह मेवात में इंडिया में मेरी रहमत बड़ी है गोतन में जो इनको चौधरा ठीक है वो शायद वो ना मिलेगी। लेकिन वो अब वो महसूस हो कि अगर वो सब मेवन से कह दे तो ग्रीन सिग्नल दे दे तो ना भाई हम मुसलमान धर्म हमारा पहले है और धरती बाद में है तो हीनी मेवात बना देता। ऐसे ही हसन खान से गलती जैसे भाई यूनुस ने बताई है अगर वो धर्म में पहले कर दे तो और कौम में बाद में ले जा तो शायद आज सारा भी वो फ्यूडल लॉर्ड होता क्योंकि बाबर सारा उनका राजा वो सारा बड़ा बड़ा तब मुकरब्बा बड़ बड़ जागीरदार होता भी ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमने उन पर फख्र है कि उनको एक विजन हो वो मुखलिस लोग हैं। तो अब असल में वो कहा है अब मैं अपनी तरफ से कह दूंगा कोई असर ना है हकीकत कहा है हकीकत यू है कि अल्लाह ने कही भाई तुमने ये एक मर्द और ये एक औरत से पैदा कराओ लेकिन मैंने त्यौहारा कबीला त्यौहारी पाल ये बना दी हम तक त्यौहारी पहचान हो जैसे हर बेल में अपनो अपनो जायक हो हर दरख्त में अपनो अपनो फल है हर फूल को अपनो अपनो रंग है अपनी अपनी खुशबू हो ऐसे मियो को भी अपनो रंग है। अब मियो को रंग कहा है उत्तम सबन में है लेकिन वो हमने पतो ना है हम ऐसे यहाँ जैसे कोई शेर को बच्चों की तरफ रह रहे और भूल गो नहीं ऐसे जाने पे तो किधर वो अपना आप छुपा दो ले लू वो एक दिन आया अपना चेहरा नजर आ खून पानी में पानी की तेरी पहाड़ की सी मैं कुछ और ये कुछ और वहां के भी एक और बुजुर्ग हो बूढ़ो भी हो वहां ने की मेरा सर तू शेर है तो उसमें जब कह समझ आई वहां ने मारी तरफ सारा किधर पा तो मेवन का खौफ सू दिल्ली का बारे दरवाजा है वो दिल्ली का दरवाजा बंद हो जा रहा बड़ा बड़ा तारीख का जाबर तरीन राजा जो हा जिनमें हमारा हसन खां भी हो दूसरी कॉमन का भी है नहीं वो भी मेवन का खौफ सु कहां पे हा ग्यासुद्दीन बलबन कोई भी काबू न आया नहीं वाले फिर के साथ बड़ो जुलम कर और इन सब लोग इन डाकू कह कोई कहते छित्तर हो और मैंने कहलू के उल्लू का पट्ठा हो तुमने नुई पतो ना है कि छित्तर ना है यू है लफज छत्री छत्री और छत्री वो हो जो सबन में मार दे कोई बड़ा काज के लिए बड़ी बड़ी बात के लिए कोई असूलन के लिए कोई भलाई के लिए और मेवन को यू टाइटल है छत्री सूरमा जैसे भाई यूनुस ने कही भाई 12,000 मेव हसन खान की फौज में वो 12 के 12 ही कट गया हसन खान भी कट को और राणा संघा भी करना है सारा ही भगा आप भी राणा भगो मेवन ने तुम्हें पकड़ा है चौधरी का नाम बना चौधरी मलक ये सब जो है ना ये टाइटल बहुत ही छोटा तम सबसे बड़ी तारीख है इंडिया की एवरेज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो मैं अभी बात करूं थोड़ी सी मुख्तसर अभी पहले मतलब मियो है कहा मियो जो है वो छत्री है वो मार्शल रेस है और यह सुन डाकू डूकू भी लोग गलत फहमी में कह रहे हैं डाका डूका जरूर मार लेकिन बनियान ने मारे हुई जो सूद ले रहे उस तम लूट लगा दुनिया मुसलमान को खून चूसे हा मियो और का ही चोरी ना करे जो अमीर हिंदू हो ना जो बनिया जो सूद ले रहे हो वह जावे अमीर और वह निकलावे और फिर खावे जो शेर शिकार मार लियो फिर तारा लगे पकड़ सारा यदि ऐसी ज्यादती ना करे हो और इनका खौफ तो दिल्ली का दरवाजा बंद हो जाए का ही बादशाह का कदी ये अफगानी की तरह कदी ये गुलाम होया ही ना तारीख में कोई बादशाह जो सर ना कर सको इनके अंदर एक ऐसा जज्बा हो जरूरत को वो काई पे फताही ना हो। अब मैं तुम्हें तारीखी वाक्य सुना रहा हूं जैसे भाई ने सुनाया
उन नामन को भी हमने पता होना है। मैंने कैमरन हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ी अंग्रेजी में, वो सबसे ऑथेंटिक किताब।